गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा लैंड बन जाना जहाँ पे कुछ भी नहीं उग रहा, ठीक है, कोई पौधा नहीं उग सकता क्योंकि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। तो इसको हम काइंड ऑफ बंजर ज़मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। डिज़र्टिफिकेशन इज़ लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। इट इज़ प्रोसेस इन विच फर्टाइल लैंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेजर्ट। इससे क्या होता है कि जो एक उपजाऊ धरती होती है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह उग सकते हैं या फसल हो सकती है, वो बंजर बन जाती है, ठीक है। इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली ड्रायर, ठीक है, धीरे धीरे ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। अनेबल टू सपोर्ट एनी प्लांट ग्रोथ फॉर फूड प्रोडक्शन। फिर इतनी इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है कि कोई प्लांट ही नहीं उग पाता इस पर। इट अकर्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मोस्टली क्या होता है कि या तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है इसलिए ऐसे होता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये होता है। अब कौन सी कैटेगरीज हैं डिज़र्टिफिकेशन की, वो है लाइट डिज़र्टिफिकेशन, मॉडरेट डिज़र्टिफिकेशन, सीवियर डिज़र्टिफिकेशन और वेरी सीवियर डिज़र्टिफिकेशन। लाइट डिज़र्टिफिकेशन इज़ जब थोड़ा इफेक्ट होता है सारे एरिया पे। इन दिस टाइप ऑफ डिज़र्टिफिकेशन अ स्लाइट डैमेज अकर्स, मतलब थोड़ा डैमेज होता है वेजिटेशन कवर पे। दिस डैमेज डज नॉट अफेक्ट द बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट इज मॉडरेट डिज़र्टिफिकेशन, अ मीडियम डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ वेजिटेशन कवर अकर्स एंड formation of small sand dunes and salinization of soil which reduces production by 10-25%। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाती है और जो मिट्टी है ना वो सलाइन हो जाती है। सलाइन मीन्स जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, और मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सीवियर डिज़र्टिफिकेशन, ये इन दिस टाइप स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स एंड अनवांटेड श्रब्स इन द पेस्चर एट एक्सपेंस ऑफ डिज़ायरेबल एंड वांटेड स्पीशीज अकर एज वेल एज इंक्रीजिंग ऑफ द इरोजन एक्टिविटी विच इफेक्ट्स द वेजिटेशन कवर। अब इसमें क्या होता है कि सैंड ड्यून्स तो बनते हैं, जो सॉइल है वो सॉल्टी तो हो जाती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं फसल में, ठीक है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कम करते हैं, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन हमने किया था, आपको पता होगा जैसे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है या हवा में उड़ जाती है। नेक्स्ट इज वेरी सीवियर, ये सबसे सीरियस टाइप ऑफ डिज़र्टिफिकेशन होती है। इससे क्या होता है कि या तो खाइयाँ बन जाती हैं या सबसे ज़्यादा जो है सॉइल डिग्रेड होती है, वो एकदम सॉल्टी बन जाती है, फर्टाइल नहीं रहती, कोई प्लांट ही नहीं उग पाता इस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, वो है ओवर ग्रेजिंग, ड्रॉट, अर्बनाइजेशन। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, मेजर कॉज ऑफ डिज़र्टिफिकेशन, टू मैनी एनिमल्स ग्रेज ऑन द लैंड, एनिमल ईट्स ऑल द वेजिटेशन, सॉइल इज एक्सपोज टू रेन एंड विंड। जितनी भी मतलब फसल है वो सारी एनिमल्स ग्रेज कर लेते हैं, अपने लिए खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो सॉइल होती है, क्योंकि जब प्लांट्स खा लिए तो सॉइल क्या हो जाएगी, वैसे ही बैरन हो जाएगी, अकेली रह जाएगी वो, तो जब भी बारिश होगी वो मिट्टी अपने साथ ले जाएगी या फिर हवा में उड़ जाएगी मिट्टी। नेक्स्ट इज़ ड्रॉट, ड्रॉट इज़ जैसे
सोखा पड़ जाता है, सूखा सूखा कह सकते हैं हम। अ ड्रॉट इज कॉज बाय ड्रायर देन नॉर्मल कंडीशंस दैट कैन इवेंचुअली लीड टू वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। अब क्या होगा, जब सूखा पड़ेगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाएगा मिट्टी का, और जो मॉइस्चर है वो मिट्टी से निकल जाएगा। इससे क्या होगा, जब मिट्टी में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्रॉप्स मर जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे। मे हैव टू मूव टू फाइंड फूड एंड वाटर। और आम इंसान को भी पानी और खाने के लिए बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट। शहरों में, जैसे गांव से शहरों में हम शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, जो पहले पेड़ पौधे होते हैं या खेत होते हैं उनको हम काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं। वो बिल्डिंग्स में फैक्ट्रीज बनती हैं, काम होता है, तो वो जो सारे केमिकल्स हैं वो मिट्टी में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, जिससे जो ग्राउंड की कैपेसिटी है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पार्शियली रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ ही क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। एज द डे गेट वार्मर एंड पीरियड ऑफ ड्रॉट कम, मोर फ्रीक्वेंट डिजर्टिफिकेशन बिकम्स मोर एंड मोर एमिनेंट। अनलेस क्लाइमेट चेंज इज स्लो डाउन, ह्यूज एरिया ऑफ लैंड विल बिकम डेजर्ट। सम ऑफ दिस एरिया मे इवन बिकम अनहैबिटेबल एज टाइम गोज ऑन। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा एरिया डेवलप हो जाए जहाँ पे ना तो हवा है ना पानी है, अच्छे से प्लांट्स नहीं उग रहे, ठीक है, हवा तो चल रही है पर लाइक प्लांट्स नहीं उग पा रहे, पानी की कमी है। तो इससे क्या होगा, जो लैंड है वो ख़राब हो जाएगा, और जैसे कोई अंधेरी आएगी या तूफान आएगा, मिट्टी उड़ जाएगी। नेक्स्ट इज ओवर कल्टिवेशन। जब हम थोड़े से एरिया में ज़्यादा प्लांट्स लगा लेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के वो खींच लेंगे सारी सॉइल से, ठीक है, इससे क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि सारे तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने खींच लिए। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड देन क्रॉप्स कांट बी ग्रोन बिकॉज देर आर नो क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल, देन इट कैन ईजिली बी इरोडेड बाई विंड एंड रेन। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम ट्रीज को काटते हैं, ठीक है, सो और जो फॉरेस्ट लैंड होता है, वुडन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल एरिया उसके, तो उससे क्या होता है, जो एरिया है वो वार्मर हो जाता है। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बारिश ज़्यादा होगी, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो लैंड होगा वो ड्राई हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो हैं वो ग्रो करने चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में हो सकता है ड्रॉट, सुनामी, अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों से भी लैंड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देर आर सम cases where the land gets damaged because of natural disaster. It has already तो क्या होता है कि फिर जो लैंड है उसको अपनी एक्चुअल जो सिचुएशन है उसमें आने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट इज ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। की होती है ज़्यादा, मतलब डिजर्टिफिकेशन, जब जो नेचुरली पानी है वो ओवर ड्राफ्टिंग से निकल रहा है। ओवर ड्राफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम। जो एक एक्चुअल लेवल है, जब हम उससे ज़्यादा पानी निकालेंगे, जैसे हम देखते हैं
फार्मिंग के लिए हम ट्यूबवेल्स वगैरह में से पानी निकालते हैं, तो क्या होता है ग्राउंड लेवल जो है वो लो हो जाता है, और इससे क्या है लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्ट एंड फर्टिलाइजर्स। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी और जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन द लॉन्ग रन दिस मे टर्न फ्रॉम अरेबल इनटू एरिड लैंड ओवर टाइम एंड इट विल नो लॉन्गर बी सुटेबल फॉर फार्मिंग पर्पस आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सेसिव फार्मिंग सिंस द सॉयल हैज़ बीन डैमेज्ड। तो वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं पॉसिबल रहेगी, ना कोई प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग से क्या होता है कि हम मिट्टी के बिल्कुल अंदर से विटामिन मिनरल्स निकालते हैं, जैसे गोल्ड डायमंड जो होता है वो माइनिंग से ही जाता है, आता है, हमें मिलता है। तो हम जब उस एरिया में माइनिंग करेंगे तो हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, इससे क्या होगा पेड़ कटेंगे, टेम्परेचर हाई होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो मिट्टी के जो तो वहाँ पे पेड़ पौधे उग ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वैसे डिजर्टिफिकेशन हैज़ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स एंड सोशल इफ़ेक्ट्स। अब सॉल्यूशन क्या है डिफॉरेस्टेशन का, हमें पेड़ क्यों मतलब नहीं काटने चाहिए और उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? हम फार्मिंग का तरीका बदल सकते हैं, पॉलिसी चेंजेस रिलेटेड टू हाउ पीपल कैन फार्म, ठीक है, बेटर फार्मिंग के तरीके निकाल सकते हैं, पॉलिसी चेंज टू अदर टाइप ऑफ लैंड यूज। मतलब लैंड का हम किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक बार ही फार्मिंग में हो गया इनफर्टाइल होगी सॉइल तो हम उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन। हम जो है एजुकेशन दे सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, टेक्नोलॉजी एडवांसेस, Research is the key to overcome most of our environmental problems and it applies to desertification also. It is difficult to try and prevent desertification. In those cases, research करनी चाहिए कि कैसे हमें इसको preserve करना है, ठीक है, क्या क्या techniques use हो सकती हैं, mining practice बंद करनी है, restricting mining practice, putting together rehabilitation efforts, हम मिट्टी को rehab भी कर सकते हैं, जैसे फिर से कोई land जो है अगर वहाँ पे सूख के है वो, तो हम नए plants उगा सकते हैं, उस land को फिर से fertile बना सकते हैं। Next is reforestation, हम और plants trees लगा सकते हैं जिससे environment issue ख़त्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन फ्रॉम हैपनिंग। हम ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं कि जो लैंड है वो सस्टेन कर पाए हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो, आप मुझे पूछ सकते हो।